नमस्कार साथियों, आज हम एक गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे भाई। खास तौर से गल्फ देशों में आप लोग रहते हैं, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन और कुवैत, लगभग 6 कंट्रियां हैं। इसमें मुझे लगता है 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की रहती है, और उनमें बता दूं बहुत सारे लोगों के साथ समस्या आती है, खास तौर से सैलरी से रिलेटेड, क्योंकि भाई विदेश में जाके कमाने का मतलब पैसों के लिए जाते हैं, और इसी में आप लोगों के साथ अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो आप क्या कर सकते हैं। जी हाँ, और सबसे ज़्यादा मैं बता दूं छोटी कंपनियों में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि छोटी कंपनियों के मालिक को दिमाग भी छोटा होता है और उनके पास थोड़े से आदमी होते हैं, तो वो उनको दबाने की, उनका शोषण करने की सोचते हैं। हालांकि बड़ी कंपनियों भी ऐसा होता है, लेकिन उनमें इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें संख्या हज़ारों की संख्या वर्कर होते हैं, तो वो फिर आंदोलन करना, स्ट्राइक करना, या फिर वो एक गैंग बना लेते हैं, इस वजह से वहाँ पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे हम आज बात करेंगे, चाहे आप गल्फ देशों में रहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सैलरी की। कंपनियाँ 10 महीने, 15 महीने, 5 महीने, 7 महीने की तनख्वाह पहले तो देती नहीं है, देंगे में टाइम ऊपर निकल जाता है, उसके बाद में कंपनी बोलती है भाई हमारे पास पैसे नहीं है, आपको इमरजेंसी में मान लीजिए घर आना होता है, आप बोलते हो जी हमारा हिसाब करो हम जाएंगे, कंपनी महीने 2 महीने आपको बिठा लेती है, बाद में बोलती है टिकट लो पकड़ो और जाओ, पैसा अभी नहीं है हमारे पास, या आपको पीछे से भेज देंगे। ऐसा आप लोगों के साथ होता होगा, मुझे किसी ने बताया लोगों ने कि हमारे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो शुरू से बात करें तो आप कंपनियों में काम करते हैं, कंपनियां बहुत सारी ऐसी होती हैं जो तनख्वाह दे 2 महीने, 3 महीने, 5, 7, 10 महीने तक की लोगों में तनख्वाह चढ़ जाती है। 10 महीने में 2 महीने के पकड़ा दिए, 8 महीने हो गए, फिर 2 महीने निकाल दिए, इस तरह करके टाइम काफ़ी सारा निकल जाता है। अगर 1500 भी एवरेज तनख्वाह हो तो आपका ये समझ सकते हैं कि 50-60 हज़ार या फिर 5-7 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार दराम, इस तरह से सैलरी ऊपर कंपनी में चढ़ जाती है। बाद में आपका वीज़ा का टाइम नज़दीक आता है, या फिर आपके हो सकता है कोई इमरजेंसी घर पे काम हो, तो आप तो कंपनी से हिसाब तो लोगे ना, क्योंकि ये वाक्य मेरे साथ, एक बंदे ने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो कंपनी बोलती है भाई पैसा नहीं है, आप अभी तो इंडिया चले जाओ, ये टिकट लो, और ये थोड़े बहुत 1-2 सैलरी उसको पकड़ा देते हैं और बेचारे को गोली दे के निकाल देते हैं। किसी भी देश में, गल्फ देशों की सबकी बात कर रहा हूँ भाई मैं, या फिर आप ये सोचते हो आपके पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ है 2 साल का और तनख्वाह नहीं देते, तो आप मोरे में जाते हैं, आप समझते हैं दुबई में जैसे मोरा है, और अलग अलग देशों में लेबर कोर्ट होता है सबके लिए, वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं कि भाई ये कंपनी हमारी तनख्वाह इतने टाइम से नहीं दे रही है। तो बता दूं, जो मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार 8-10 महीने से 15-16-18 महीने तक मोरे में टाइम लग जाता है केस करने के लिए, और वो केस लंबा चलता रहता है। तो उस दौरान हर इंसान को, बेचारे को घर में कोई ना कोई काम होता है, इतने दिन वो वहाँ पर बैठ तो नहीं सकता विदेश में, या फिर कहीं दूसरी जगह काम करता है तो उनको काम नहीं मिल पाता, यानी वो एक परेशानी में आ जाता है, ठीक है जी। फिर कंपनी बोलती है सेटलमेंट कर लेते हैं, पहले कंपनी बोलती है सेटलमेंट कर लो जी, आपकी 15 तनख्वाह बाकी हैं, आप एक काम करो 5 तनख्वाह लो, टिकट लो, घर जाओ। ऐसा लोगों के साथ हो रहा होगा, टिकट दे देती हैं, थोड़ा बहुत पैसा दे देती है, या फिर ये बोलती हैं कि टिकट लो आप जाओ, पैसा अभी तो है नहीं हमारे पास, देख लो जी हम तो खाली बैठे हैं, और जैसे प्रोजेक्ट का पैसा मिलेगा हम आपको पीछे से आपके अकाउंट में भेज देते हैं, लेकिन वो बैंक में पैसा नहीं भेजते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा, उनको लगता है कि बंदा चला गया हमें क्या है, टेंशन फ्री है। खास तौर से छोटी कंपनियाँ होती हैं जो 20-30-50 लोगों के साथ लेके काम करते हैं, या 200-400 लोगों के साथ लेके कंपनी बना के बैठे हैं वो, और स्वयं भी अपने आप को बड़े वो 30 मार का समझते हैं कंपनी के जो मालिक हैं, और खास तौर से वो अपने देशों के होते हैं, इंडिया के लोग हो गए, क्योंकि यार दुबई में कंपनी कौन सी चेकों की है, लगभग तो विदेशी लोगों की कंपनियां बना के बैठे हैं, कंस्ट्रक्शन में देख लो, किसी भी काम में देख लो, और वो उनके साथ में, फिर अगर आप थोड़ा सा तूतड़ाक से बात करते हैं तो आपको धमकी देने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को पावरफुल समझते हैं ना, कंपनी के मालिक हैं, ये करते हैं, अरे भाई गल्फ कंट्रीज आप कुछ नहीं कर पाओगे, जब बंदे इकट्ठे होंगे और आपके खिलाफ बैंड बजाएंगे ना, तो आपकी कंपनी ब्लैकलिस्ट होकर इंडिया भागते दिखोगे आप। हाँ जी, तो फिर धमकी देना, वीज़ा आपका कैंसिल कर देंगे, आपको जेल करवा देंगे, आपको पुलिस केस करवा देंगे, ऐसा कुछ आपके साथ होता होगा, इसका एक ही ऑप्शन है भाई। पहली बात तो ये कि समाधान है प्यार और प्रेम, उनको समझाइए कि सर हमारी तनख्वाह दे दीजिए, उनकी ईमेल पे आप ऑफिशियल ईमेल कर सकते हैं कि हमारी इतने इतने टाइम की इतनी तनख्वाह बाकी है, वो एक एविडेंस होता है आपके पास, तो हो सकता है सामने से कंपनी का मैनेजर है जो भी कुछ आपको फॉलो करता है वो आपको रिप्लाई देगा, नहीं देगा तो भी आपके पास एविडेंस है, ऑफिशियल मेल पर आपने मेल करके रखा है, ठीक है जी। अगर फिर भी नहीं मानता है तो मोहरे में आपके पास ऑप्शन बचता है, या लेबर कोर्ट में ऑप्शन बचता है, उसमें भी आपको टाइम लग जाता है, ये हो गया अलग प्रोसेस, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन तनख्वाह तो लेनी पड़ेगी ना।
तो उस दौरान अगर देखिए, अगर आपका कंपनी का मालिक इंडिया का है, खास तौर से मैं बता दूं, अगर इंडिया का है तो 100% आप इंडिया में भी उसके खिलाफ में लीगल एक्शन ले सकते हैं। वो प्रोसेस तो आप, आपके साथ कोई होगा तो मेरे से कॉल करोगे, उस सिचुएशन के आधार पे पता रहेगा, लेकिन इंडिया में भी उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। मैं बता दूंगा किस तरह से लेना होता है, बहुत सारे लोगों ने लिए भी हैं, समझ गए, 4-4 साल के बाद में भी लोग है ना आके एक्शन ले लेते हैं, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। शर्त ये कि आपके पास सबूत होना चाहिए कि इतने दिन मैंने काम किया, ये आपके पास कंपनी का एम्प्लॉई होता है उसके साथ आप फोन पे बात करते हैं, आपकी रजिस्टर में हाजिरी, आपका जॉब कार्ड भी बना होता है, आपकी तनख्वाह अकाउंट में आती है, सब कुछ आपके पास डिटेल होना चाहिए, तब जाके इंडिया की मैं बात करूं। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप रखिए, बैंक स्टेटमेंट वगैरह या फिर जॉब कार्ड या फिर ईमेल वगैरह, ऑडियो वोडियो कुछ भी आपके पास हो, 100% आपका इंडिया में आने के बाद भी आपका सेट, आपका कंपनी का मालिक आपको पैसा देगा, आपकी तनख्वाह देगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। जी हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखें कि कंपनियाँ चालाक होती हैं, खासतौर से छोटी कंपनियाँ ना, उनमें ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इनसे बचें और सावधान रहिए। पहले से तनख्वाह चढ़ने की कोशिश ही करें ना तो वहीं पे दबोच लेने की कोशिश करें, और धमकी देने दे तो डरने की जरूरत नहीं है भाई, आपने काम किया और बदले में पैसा मांगो, धमकी दे तो उनको रहना नहीं है क्या दुबई में, अन्य देशों में, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, कंपनी ब्लैकलिस्ट होते टाइम नहीं लगता है, वो प्रोसेस भी है हमारे पास में। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।